मंगलाचरण में कहा गया था सायार नयार धम्मीयम,
साकार और अनुदार धर्म का निरूपण करूंगा, कथन करूंगा। तो यह दोनों की मुख्य धर्म के बारे में एक गाथा में बता दिया गया। क्या कहते हैं अंजल भगवान? दानं भूया मुखं सावैधं मीना साभिहातेन विना झाण झेण मुखं जैधं मीतं विना तहासोभी। आचार्य भगवान कहते हैं दानं भूया मुखं सावैधं मीना, श्रावक का मुख्य धर्म यदि कोई है वो दान और पूजा है। श्रावक के छह आवश्यक कर्तव्य, उन छह आवश्यक कर्तव्यों में मुख्य कोई बता दिया तो वो दान और पूजा बता दिया और साथ में कह दिया ना सामया तेन बिना। यदि ये दो धर्म भी उनके पास नहीं है तो वो दोनों बिन श्रावक श्रावक नहीं है। वो श्रावक कहलाने का अधिकार नहीं है जिसके पास ये दो धर्म नहीं है। और साथ में मुनिराजों के धर्म के बारे में बताते हुए कहते हैं झाण झैण मुखम, ध्यान और अध्ययन करना मुख्य धर्म। इसका जय धर्मो मुनियों का यतियों का मुनि धर्म षट आवश्यक है, उनमें मुख्य धर्म जो बताया वो ध्यान और अध्ययन करना बताया। और आगे क्या कह दिया, ना तम बिना तहा सोवी, इन दोनों के अभाव में यति धर्म नहीं हो पाता है, नहीं हो सकता है। इसलिए मुनि को इन दो धर्मों का, दो कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है। भगवान महावीर स्वामी की जब डिफिनेशन हुई तो उसमें तो छठ आवश्यक कर्तव्य ही आए थे, ये मुनियों के भी छह आवश्यक कर्तव्य और श्रावक के भी छह आवश्यक कर्तव्य। श्रावक के लिए बताया देव पूजा गुरु पाठ स्वाध्याय से यह तप और दान, ये छह श्रावक के लिए मुख्य कर्तव्य है। और मुनियों के लिए संता वंदना स्तुति प्रतिपल प्रत्याय ध्यान पायस्तर, ये छह मुनियों के लिए से आवश्यक कर्तव्य बताए गए जो प्रतिदिन मुनि राजाओं को करना अनिवार्य है। ऐसे छह छह कर्तव्यों की व्याख्या की गई, लेकिन जब आचार्य कुंतीपुन स्वामी हुए तो उन्होंने क्या चिंतन किया होगा, क्या मंथन किया होगा कि आने वाले समय में पंचम काल में हो सकता है श्रावक और साधु अपने पूरे कर्तव्यों का पालन निरतिचार नहीं कर पाए, तो उन्होंने छह कर्तव्यों को दो में ही समाहित कर दिया। कम से कम दो का पालन तो कर लो, छह का नहीं कर पा रहे तो दो का पालन तो कर लेना चाहिए। दान और पूजा श्रावक के लिए और मुनियों के लिए ध्यान और अध्ययन, बस ये दो कर्तव्य का पालन कर मुनिराज कर ले तो उनकी छह कर्तव्य का पालन, 28 मूल गुणों का पालन और 84 लाख उत्तर गुणों का पालन भी हो सकता है। जिस समय मुनिराज ध्यान की सरणी में होते हैं ध्यान की अवस्था में ही 84 लाख उत्तर गुणों का पालन हो सकता है और कोई अवस्था नहीं है जहां वो अपने 84 लाख उत्तर गुणों का पालन कर सके, वो ध्यान की अवस्था ही है। तो मुनिराज ध्यान भी करते हैं और मुनिराज अध्ययन भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। मुनिराज तो अपने दोनों कर्तव्य को पालन करते हैं। श्रावक का मुख्य धर्म है दान और पूजा, क्या हम दान पूजा कर पा रहे हैं विचार करना, क्या हर श्रावक प्रतिदिन दान पूजा कर पा रहा है नहीं। जिन्हें भगवान के दर्शन मात्र करने से पूजा नहीं कहलाती के दर्शन कर लिए हो ही पूजा, शुरुआत है दर्शन करना, आगे बढ़ना ठहरना नहीं है। जीवन में ठहराव व्यक्ति को पतंग की बोल ले जाता है, इसलिए ठहराव जरूरी नहीं है, ठहराव नहीं करना है, चलते जाओ आगे बढ़ते जाओ। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, लौकिक क्षेत्र में भी हो तो आगे बढ़ते जाओ, रुको मत। अगर एक जगह रुक जाओगे तो मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाओगे, मंजिल को प्राप्त करना है तो आगे बढ़ते जाओ धीरे धीरे ही सही। वो बचपन में आपने कहानी सुनी होगी ना कछुए की और खरगोश की, एकदम से मत भागो, क्या बन के चलो कछुआ बन के चलो, धीरे धीरे चलते जाओ मंजिल को पालोगे, लेकिन ठहरो मत। एक जगह अगर ठहर गए पहले भागिए, भाग के बाद एक जगह ठहर गए और फिर नींद लग गई तो सो गए, सो गए सो बस पीछे रह गए, सो गए सो खो गए, ऐसे ही है। और धीरे धीरे चलते जाओ आगे बढ़ने की कोशिश मत करो कि जल्दी भाग जाए, धीरे धीरे बढ़ो। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान के दर्शन करता है
अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, अभिषेक करना शुरू करो। जो व्यक्ति अभिषेक करने लगता है, थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ो, अब शांति धारा करो। जो शांति धारा करने लगता है, अब एक कदम और आगे बढ़ो, पूजन करना प्रारंभ करो। पूजन करना प्रारंभ कर दिया, फेरो मत, एक कदम आगे बढ़ो, जाप करना शुरू करो। जो जाप करने लगता है, थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ो, स्वाध्याय करना शुरू करो। स्वाध्याय करने लगे, एक कदम और आगे बढ़ो। अब कुछ नियम लो जीवन में, स्वाध्याय कारण पालन करना, स्वाध्याय पढ़ना शुरू कर दिया। अब जीवन में कुछ एक नियम लेना शुरू करो, धीरे धीरे छोटा छोटा सही, एक दिन का सही, एक एक दिन का नियम लेते जाओ, परिपक्व होते जाओ, दृढ़ता लाते जाओ और फिर आगे बढ़ो। फेरो मत और आगे बढ़ो। जब नियम लेना शुरू कर दिया, अब जीवन में सही धारण करो। अनुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, व्रतों को धारण करो। फिर उसके बाद और आगे बढ़ो, वहां ठहरो मत। अब प्रतिमा धारण करो, प्रतिमा लो, और जब प्रतिमा ले लो, अब उसके बाद और आगे बढ़ो। अब पूर्ण संयम, इसी को धारण करने की भावना रखो, और पीछे धारण कर लो तो वह ठहरो मत, और आगे बढ़ो। अब संलग्न की तैयारी करो। जीवन का जो लक्ष्य है वो संलग्न पूर्वक समाधि मरण है। जीवन में संलग्न पूर्वक ही मरण करना, ऐसे जीवन में ऐसे तो पता नहीं कितनी बार मर गए, ऐसे तो पता नहीं गिनती नहीं है, इतनी बार मर चुकी। संलग्न पूर्वक समाधि मरण करना, ऐसी भावना, प्रबल भावना रखना कि मुझे संलग्न समाधि मरण करना। ये है जीवन में यात्रा, चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। एक जगह मर गए तो बस हमारा तो हो गया, कोटा पूरा नहीं, और आगे बढ़ो। कुछ नया करने का सोचो, कुछ नया करना है जीवन में। जो प्रतिदिन करते आ रहे, अगर कुछ दिन नया करने का अवसर मिले तो नया करो। वो तो रूटीन लाइफ में जो करते आ रहे थे वो तो करेंगे ही, आगे फिर से करेंगे, वही करना तो है, लेकिन कुछ नया करने का अवसर मिले तो कुछ नया कर लेना चाहिए। पूजा तो रोज ही करते थे, पूजा तो रोज ही करते थे, लेकिन अब 10 दिन बोले 10 लक्षण में तो समोषण विधान करना है। पूजा तो रोज ही करते थे, हर साल 10 लक्षण विधान में करते थे, 10 लक्षण में 10 लक्षण विधान कर लेते थे। इस बार कुछ नया करने का अवसर मिल रहा है तो कुछ नया करें, समोषण विधान करेंगे, विशेष अनुष्ठान, बड़ी पूजा करेंगे, कुछ नया करने का अवसर मिला है, कुछ नया कर लो। और ये नहीं, आपको तो जो भी नया करने का अवसर मिल जाए वो कर लो, कुछ नया करने का मिलना चाहिए, वो ही रूटीन लाइफ में नहीं, पुराना पुराना जिए जा रहे जिए जा रहे, कुछ नया करने का अवसर मिल रहा है, कुछ कर लो। ये हमारा धर्म है, श्रावक का धर्म है दान और पूजा करना, अपने धर्म का पालन करो। मुख्य धर्म तो वही है। किसी ने मुझसे पूछा, बोले मुनिराज जब पूजा करते हैं तो पूजा करके क्या 6 कर्तव्य का पालन हो जाएगा? मुझे हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ध्यान देना, एक पूजा, जब आप जिन्हें भगवान की पूजा करने आते हैं, सबसे पहले पूजा कौन सी करते हैं? देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं। पहला कर्तव्य आपका देव पूजा है, दूसरा कर्तव्य गुरु उपासना है। उसमें गुरु की उपासना भी कर ली और देव की पूजा भी कर ली, 2 कर्तव्य हो गए। उसके बाद स्वाध्याय आपका कर्तव्य है, जिन वाणी लेकर आपने पूजा की, स्वाध्याय हो गया। जिस समय पूजा करोगे उस समय कुछ खाओगे भी होगे? नहीं, संयम का पालन हो गया। जिस समय पूजा करोगे उस समय आप तो खड़े होकर करोगे, भैया बैठ कर करोगे, हिलते डुलते तो नहीं करोगे। एक तो तब हो गया, एक आसन पर बैठकर पूजा कर रहे हैं तब हो गया, और एक थाली में से दूसरे थाली में दर्द को छोड़ रहे हैं, एक तो दान हो गया। एक पूजा करके भी 6 कर्तव्य का पालन आप कर सकते हैं। और ऐसे ही दान करते समय मुनिराज को आहार देने गए, आहार देने गए तो हमारे चलते फिरते परमेश की देव है आराध्य, पंच परम देव जिनको कहा जाता है, वो परमेश के रूप में सामने विराजमान है, देव हो गए। और गुरु रूप में हमें शिक्षा देते हैं, इसलिए गुरु रूप में विराजमान है। तो देव पूजा, गुरु उपासना, वहां पर उनकी पूजा करके, अर्चना करके हो जाती है। उसके समय जिस समय आप बाहर चल रहा है उस समय कोई फिल्मी गाना गुनगुनाओगे? कोई फिल्मी गाना तो गाओगे नहीं, मन में क्या चल रहा है? क्या चल रहा था? नमो हरियंताड, नमो सेधाड, नमो आयियाड, नमो जाड, नमो ले सब सा, मुनिराज के आहार में निश्रा हो जाए। यही तो अनुप्रेक्षा है। स्वाध्याय के 5 वेदों में एक वेद है अनुप्रेक्षा, यही तो चिंतन चल रहा है आपका आहार में, यही तो स्वाध्याय हो रहा है। और जिस समय मुनिराज आहार करते हैं उस समय कोई कुछ खाता पीता नहीं है, यही तो संयम का पालन कर रहा है। और मुनिराज यदि 1 घंटा खड़े हैं तो श्रावक भी 1 घंटा
खड़ा रहता है, नहीं तो उसका तप है और अपने हाथों से मुनिराज की अंजलि पर रखना यही प्रदान है। श्रावक अपने दान पूजा करके छहों कर्तव्य का पालन कर सकता है। यदि इतना समय उसके पास नहीं है कि छहों कर्तव्य को अलग अलग समय दे पाए तो अपने जीवन में प्रतिदिन दान पूजा कर ले, अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है, अपने कर्तव्य का पालन कर। मुनिराज के ऊपर मत देखना, मुनिराज अपना ध्यान अंतर कर रहे कि नहीं, वो तो अपना कर लेंगे, चिंता मत करो, तो बता के थोड़ी करेंगे, वो तो अपना कर लेंगे, अपना देख लो कि आप दान पूजा कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, बस इतना ध्यान रखना। स्वाध्याय मुनिराज कर रहे हैं, वही उनका अध्ययन है। आपका विशिष्ट यदि कोई धर्म है तो वो दान पूजा करना है। और आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने इतना बड़ा महत्व दिया है श्रावक को अपने धर्म का पालन करने के लिए, कि जो श्रावक अपने धर्म का पालन करता है वो श्रावक तीनों लोकों में पूज्यता को प्राप्त करता है। और हमारा धर्म तो इतना उदारवादी है, इतना उदारवादी, आपसे कोई भी काम करवाता है ना, कोई भी क्रिया करवाता है और उसका फल आपको क्या देता है, मोक्ष, मोक्ष, उसका फल आपको देता है मोक्ष। कैसे? अगर जल भी चढ़वा रहा है तो क्या दे रहा है, जन्म चढ़वा रहा है तो क्या दे रहा है, मोक्ष। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वाणी, जल चढ़वा रहे तो मोक्ष दे रहे, चंदन चढ़वाए तो मोक्ष दे रहे, संसार ताप विनाशनाय अक्षय पद प्राप्त है, काम बार विनाशनाय सुधारो विनाशनाय मोहन का विनाशनाय अष्ट कर्म नयनाय मोक्ष फल प्राप्त है, अनर्क पद प्राप्त है, गम निर्वाणी स्वभाव आठो द्रव चढ़ाई, आठो द्रव में क्या फल किसका मिल रहा है, मोक्ष फल मिल रहा है। दान करोगे तो मोक्ष, 40 साल में दान है, मैं खुद नहीं कह रहा, 40 साल में का दान परंपरा मोक्ष कारण, दान परंपरा से मोक्ष का कारण। अभी अपनी व्यवसाय की गाथा नहीं सुन रही, इसी में गाथा आएगी जिसमें आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहेंगे कि पूजा करने से जो फल की प्राप्ति है वो तीनों लोकों में पूज्यता मिलेगी। तीनों लोकों में पूज्यता किसको मिलती है, अनंतों को। अनंत भगवान जब समोषण लगता है तो अधोलोक से भवरवासी वेंद्र जाति के देव आते हैं, मध्य लोक में मनुष्य त्रिंश जाते हैं और ऊर्ध्व लोक से वैमानिक देव आते हैं। समोषण में बैठकर भगवान का उपदेश सुनते हैं तो तीनों लोकों से पूज्यता को प्राप्त होते हैं। और दान करने वाले को तीनों लोकों के सारे भूत सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा। होगी और तीनों लोगों का सार वो सुख मिलेगा जो श्रावक दान पूजा करता है। श्रावक धर्म और यति धर्म मुख्य कर्तव्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने ज्यादा नहीं दो दो ही बताए हैं, उन दो के बारे में समझ लेना। पहले छह के बारे में समझ लो, आचार्य ने छह बताए जो थे, पूजा गुरु उपाधि स्वाध्याय संयम का प्रदान, ये भी श्रावक के ही कर्तव्य है। कर्तव्य की परिभाषा क्या है, जो प्रतिदिन करने योग्य कार्य हो वो कर्तव्य कहलाता है, वो कर्तव्य कहलाता है, वो कर्तव्य नहीं जो मदारी दिखाता है, मदारी मंदिर को दिखाता है ना, कर्तव्य दिखा रहा है, कर्तव्य दिखा रहा है, वो कर्तव्य नहीं। ये कर्तव्य यहाँ पर जो प्रतिदिन करने योग्य कार्य है उसको कहते हैं कर्तव्य, षट कर्म जिसको कहा जाता है, षट कर्तव्य जिस अवक्ति है वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। मुख्य रूप से अगर छह नहीं तो दो कर्तव्यों का पालन कर ले, ऐसा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने बताया। यदि ऐसा मानोगे बस दो ही कर्तव्य का पालन करना है तो चाप छूट जाएंगे, छोड़ना नहीं। आचार्य भगवान यहाँ पर कंडीशन ये दे रहे हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे छह का पालन तो कम से कम दो का तो कर लो, युक्ति संगत, युक्ति से समझ के दान और पूजा में सभी कर्तव्य समाहित हो जाते हैं, इसलिए कम से कम दो दो कर ही लेना चाहिए। अगर इतना आप कर पा रहे हैं तो आप अपने धर्म का पालन कर पा रहे हैं। यदि एक मुनिराज भगवान ने आचार्य भगवान ने कहा है कि दान कर लो हमारे सारे कर्तव्य का पालन हो जाएगा तो हम चलो मुनिराज को आठ देने चलते हैं, एक गिलास दे देंगे और बस हो गया काम हमारा, स्वयं कर्तव्य का पालन हो गया, भागो।
एक गिलास दिया और भागो, नहीं भैया नग्धा भक्ति से आहार देना मुनि रस को, प्रणाम करके नग्धा भक्ति से आहार देना, एक भी भक्ति कम रही तो मुनिजन आहार नहीं लेते। नग्धा भक्ति से प्रणाम करना, पाप प्रचार करना, उच्चासन बिठाना, पूजन करना, नमोस्तु करना, और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नौ की नौ भक्ति करना है, उसकी अंतर्गत पूजा आएगी, वो पूजा करने से आपके देव पूजा और गुरु पास दे, ये आपके दोनों कर्तव्य का पालन होगा, इसलिए बताया गया। तो महान भाव आमना नाम का स्वाध्याय बताया है, आमना स्वाध्याय के पांच वेद हैं, उसमें आमना नाम का स्वाध्याय है, उस आमना नाम के स्वाध्याय में निरंतर व्यक्ति चिंतन करता रहता है, बस अच्छे से आहार हो जाए, निर्विघ्न आहार हो जाए, कोई भी बाधा ना आए, हमारे द्वारा कोई गलती ना हो जाए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए श्रावक उसका पालन करता है। जिस समय श्रावक अपने हाथ से मुनिराज के दिल पर ग्रास रखता है, उसकी विशुद्धि वो किसी को बता नहीं सकता, कैसा लगता है उसको वो बता नहीं सकता, उस समय जो आनंद की अनुभूति होती है वो बता नहीं सकता कोई। एक सामान्य व्यक्ति को रोटी खिलाना, भोजन कराना, मेहमान आ गया आपके यहाँ, उसकी आपने भोजन करा दिया, उसमें वो खुशी को आनंद नहीं आता है जो मुनिराज को केवल एक ग्रास देने में आनंद आ जाता है, बस एक ग्रास देते। अब ग्रास को रूढ़िवादी मत लगा लेना, मैं बार बार समझा देता हूँ कि ग्रास को रूढ़िवादी मत लगाना, लेकिन मुनिराज आपने कहा था एक ग्रास देने से, ग्रास मतलब रोटी का ग्रास, बोले रोटी का ग्रास देने से आनंद आएगा, बाकी दाल देने से आनंद नहीं आएगा, सब्जी देने से आनंद नहीं आएगा, वो तो ग्रास ही देना होता है तभी आनंद आएगा, ऐसा नहीं है, ये तो रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी। ग्रास मतलब ग्रास, जो वो ले रहे हैं वो सब ग्रास है, जो उनकी अतरी में आ रहा है वो सब ग्रास है, उसको कबर बना के ग्रास बना के, और जो अंदर ले रहे वो सब ग्रास ही पे रहता है। कुछ लोग रूढ़िवादी में कहते हैं कि नहीं, वो अन्न देना जरूरी होता है, बिना अन्न दिए अन्न क्यों, बोले अन्न पानी देंगे तभी तो अन्न पानी मिलेगा, अन्न पानी देंगे मुनिराज को दान में आहार में तभी तो अन्न पानी मिलेगा, इसलिए अन्न पानी देना जरूरी होता है, नहीं। अगर ये रूढ़िवादी कहोगे तो मैं कहता हूं भैया दाल क्या है, अन्न तो है, दाल ले दो ना, रोटी की फिर क्यों हाथ धो के पीछे पड़े हो, दाल चला लो, दाल है, राजमा है, छोले है, चावल है, सब क्या है, सब अन्न ही चलाओ, अन्न अन्न चलाना है तो, और पानी तो सब लास्ट में दे देते हैं, आप भी अन्न पानी ले लो भैया, अन्न पानी देकर अन्न पानी को ग्रहण कर लो। दान करना बड़े भक्ति भाव से, नब्धा भक्ति से मुनिराज को आहार दान देना, और जिन्हें भगवान की पूजा करना, ये दोनों श्रावक के मुख्य धर्म है, इन दोनों कर्तव्यों के बिना श्रावक श्रावक नहीं कहलाता, श्रावक श्रावक अनेक को प्राप्त नहीं होता, ऐसा बताया आचार्य भगवान उद्धव स्वामी ने। अपना गुण धर्म मानकर करना चाहिए, ये हमारा गुण है, भार नहीं कि भार, अरे कहां से कहां मुनिराज आ गए, अब लो आहार देने जाना पड़ेगा, चौका लगाना पड़ेगा, नहीं, अपना धर्म समझ के, अपना गुण समझ के कि मुझे ऐसा अवसर मिला है, या यूं कहो कि श्रावक के प्राण है, ये दो कर्तव्य जो है ना, श्रावक के प्राण है, जिस प्रकार से देह से जब प्राण निकल जाते हैं तो वह मुर्दा हो जाता है, आत्मा गई प्राण गए तो क्या बन गया, वो मुर्दा बन जाता है, उसी प्रकार से कर्तव्य के बिना श्रावक का जीवन मृत के तुल्य है, ऐसा बताया है आचार्य भगवान। कहते हैं कि जिस घर में साधु के चरण ना पड़े हो वो घर घर नहीं शमशान के तुल्य है, और जिस श्रावक ने अपने हाथ से किसी मुनिराज को आहार का नहीं कर पाया वो श्रावक चलता पड़ता मुर्दा है, मुर्दे के समान है, ऐसा ग्रंथ में दिया है। इसलिए अपना धर्म मानकर, अपना गुण मानकर उस कर्तव्य का पालन करें, श्रावक श्रावक कहलाने का अधिकारी तभी हुआ जब अपने गुणों का पालन करेगा, और यदि नहीं कर पा रहा तो श्रावक कहलाने का अधिकारी
नहीं है, ऐसे मुनिराजों के लिए बताया गया कि जट अवस्था करता मुनिराज के भी जो है वो सामायिक सामायिक तनुसर्ग स्तवनम वंदना स्तुति प्रतिक्रमण स्वाध्याय षडावश्यक मुच्यते। षडावश्यक मुनिराज के लिए बताया है सामायिक वंदना स्तवन प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कायस्थ। कई कई प्रत्याख्यान की जगह कायस्थ स्वाध्याय भी आता है। ये 7-6 आवश्यक कर्तव्य मुनिराज के हैं, जिनमें से स्वाध्याय की मुख्यता और ध्यान की मुख्यता देते हुए आचार्य भगत कुंतकुत स्वामी ने इस गाथा में बताया है कि जरूर करना चाहिए। और देखिए कंडीशन की क्या है, मुनिराज आहार लेते हैं एक बार, मुनिराज आहार लेते हैं एक बार, प्रतिक्रमण करते हैं दो बार, समय करते हैं तीन बार, स्वाध्याय करते हैं चार बार, पूर्वरात्रि स्वाध्याय, अपररात्रि स्वाध्याय, पौराणिक स्वाध्याय, अपराणिक स्वाध्याय, ये 4 स्वाध्याय तो हर मुनिराज को करना अनिवार्य है, करना ही है। और इनके अलावा जो कर ले वो एक्स्ट्रा है, वो फ्री वाला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मान ले, एक्स्ट्रा करना मत। ये स्वाध्याय जो चल रहा ना हमारा धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय चल रहा है, आपको धर्म का उपदेश चल रहा ना, ये स्वाध्याय चल रहा है धर्म का उपदेश, लेकिन ये काउंटिंग में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। वो 4 तो करने के पहले वो 4 प्रकार के स्वाध्याय तो हर मुनिराज को करना ही है, बाकी का तो एक्स्ट्रा चल रहा है। कोई प्रश्न पूछ रहा है तो एक्स्ट्रा चल रहा है, जिज्ञासा समाधान चल रहा है तो एक्स्ट्रा चल रहा है, वो स्वाध्याय नहीं है, वो तो केवल आपका एक्स्ट्रा फ्री चल रहा है। स्वाध्याय तो है लेकिन एक्स्ट्रा चल रहा है, एक्स्ट्रा टाइम 4 टाइम का स्वाध्याय प्रतिदिन साधु को करना अनिवार्य है। स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान का सृजन करते हैं साधुगण, ज्ञान का अवलंबन लेकर अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। जब आत्मा के परिणामों में संता रूप परिणाम रहेगा, उस आत्मा के ध्यान में परमात्मा के गुणों का स्तवन होगा, और उसी स्तवन के द्वारा परमात्मा के गुणों की वंदना करेगा साधु। और जिस समय ध्यान में लीन होंगे उस समय काया से मोह का उत्सर्ग यानी मोह रूप परिणामों का त्याग होगा। इस कारण से मुनि का मुक्त धर्म जो बताया वो ध्यान बताया कि ध्यान से ही वो अपनी सिद्धि कर सकते हैं, ध्यान से ही वो मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो मुक्त जाने की इच्छा रखते हैं तो ध्यान और अध्ययन तो करना ही होगा। स्वाध्याय मतलब यही होता कि कोई भी किताब उठाई और पढ़ ली, स्वाध्याय ये नहीं कहलाता। स्वाध्याय वो कहलाता है जहां पर जिनेंद्र भगवान की वाणी को जो आचार्यों के द्वारा लिपिबद्ध की गई है वो स्वाध्याय है। यथार्थ तो वही स्वाध्याय जो आपके पास पुस्तक रखी हुई है ना पूजा करते समय, ये जिनवाणी नहीं है। यथार्थ में देखा जाए तो जिनवाणी नहीं है, ये तो निजवाणी है। और जिनवाणी निजवाणी विद्वानों की वाणी, पंडितों की वाणी, कवियों की वाणी, इसमें भगवान की वाणी क्या है, कितनी है भगवान की वाणी? पूजा भगवान ने तो लिखी नहीं है, चालीसा भगवान ने तो लिखी नहीं है, आरतियां भगवान ने तो लिखी नहीं है, स्तुतियां तो भगवान ने लिखी नहीं है। ये किसने लिखी है? विद्वानों ने, पंडितों ने लिखी है, जो श्रावकों ने लिखी है। तो जिनवाणी कैसे हुई? जिनवाणी तो वो है जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जो जिनेंद्र भगवान की रचित वाणी है वो ग्रंथ कहलाते हैं। ये किताब का नाम रखती है जिनवाणी, नाम रखने से कोई जिनवाणी नहीं हो जाती है, जिनवाणी तो जिनेंद्र भगवान की वाणी ही कहलाती है। तो जो स्वाध्याय आत्मा में मुख होकर किया जाता है, अपनी आत्मा के कल्याण के निमित्त से किया जाता है, वह स्वाध्याय आत्मा को सर्व सुखी करता है, सर्व सुख प्रदान करने वाला होता है। स्वाध्याय परमं तपः, स्वाध्याय परम तप है। इसी ग्रंथ साहब में एक कथा में आएगा अध्ययन में विचारम, अध्ययन क्या है? ध्यान। जिस समय आप अध्ययन करते हैं उस समय आपका मन वचन काय एकाग्र हो जाता है, और जब तीनों एकाग्र हो जाए उसी का नाम तो ध्यान है। अपने मन वचन काय को एकाग्र करना है उसी को ध्यान कहा जाता है। तो जिस समय आप स्वाध्याय करते हैं बिल्कुल तल्लीन हो जाते हैं उस समय आपका मन वचन काय एकाग्र हो जाता है। स्वाध्याय कार्यकारी और कल्याणकारी होता है जो अपने आत्मा से विमुख होकर किया जाए। इस कारण से स्वाध्याय को जिनागम में परम तप का
आ गया है। इसलिए ध्यान और स्वाध्याय के बिना यदि धर्म का पालन संभव नहीं है ऐसा आचार्य ब्रह्मन कहते हैं, और यदि नहीं रह जाता स्वाध्याय और ध्यान के बिना तो इसलिए उसको पता जरूर करना है। अगर स्वयं नहीं कर पा रहा तो दूसरे गुरुजी से सुने, स्वयं नहीं कर पा रहा मतलब शरीर की समय शक्ति जीव सीन हो गई है, अब वो कर नहीं पा रहा है, कुछ उठा बैठा नहीं जा रहा है, तो दूसरे मुनिराम उसको स्वाध्याय सुनाएंगे, लेकिन स्वाध्याय तो जरूर होगा ऐसा बताया गया। तो महानुभाव श्रावक और मुनिराज के कर्तव्यों की व्याख्या इस गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान ने यहाँ पर बताई और कहा स्वाध्याय वो है जो सभी की प्यासों का समाधान कर दे, कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान कर दे, उसका नाम स्वाध्याय है। जो व्यक्ति मन से विचलित हो जाता है, परिणामों विचलित हो जाता है, परिणाम जिसके विकृत होने लगते हैं, वह व्यक्ति स्वाध्याय करे तो स्वाध्याय करने से अपने परिणामों को स्थिर कर सकता है, अपने परिणामों को संभाल सकता है। स्वाध्याय ही है जो व्यक्ति को पतन से बचा सकता है। आप करके देखो, कल एक जिज्ञासा आई थी कि स्वाध्याय में मन नहीं लगे तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या स्वाध्याय छोड़ देना चाहिए? जब स्वाध्याय पढ़ते समय मन नहीं लग रहा हो तो क्या करना चाहिए? क्योंकि स्वाध्याय में बहुत जटिल जटिल बातें होती हैं, जो बातें समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, स्वाध्याय को छोड़ना नहीं है, शास्त्र पढ़ते जाना, निरंतर शास्त्र पढ़ते जाना, आज नहीं तो कल कर ले तो परसों आपको समझ में जरूर आएगा और सब कुछ समझ में आएगा। ये स्वाध्याय ये जो आपको सब चीजें करना सिखाता है, धर्म का यथार्थ भान जो कराए वो स्वाध्याय है। अगली गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं कि बहिरात्मा की प्रवृत्ति क्या है, जानेंगे स्वाध्याय से बहिरात्मा की प्रवृत्ति क्या है। तो गाथा बताते हैं, दाणूणा धम्मूणा चागुणा, दाणूणा धम्मूणा चागुणा, भोगुणा पैरप जो पैंगोसो, लोह कसायक गिनो पड़ियो मरियो न संदेहो। क्या कहते हैं आचार्य भगवान, दाणूणा जो श्रावक दान नहीं देता, धम्मूणा धर्म नहीं करता, चागुणा याद नहीं करता, भोगुणा भोग नहीं करता, दान नहीं देता, धर्म नहीं करता, त्याग नहीं करता, भोग नहीं करता, सो वैरप्पा वो कौन? वैरात्मा है, वो वैरात्मा है। और कैसा? पतंगो, जो पतंगों के समान, जो पतंगा वो एक दीपक जलाओ, दीपक जलाते समय पतंगा आता है उड़ता हुआ, लोग कसायती मुहे मतलब लोग कसाय रूपी अग्नि के मुंह में पड़ियो मरियो पड़ता हुआ मर जाता है, उसमें गिरा और मर जाता है। संदेह होना, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ऐसा ही है। उस लोभ के कारण वो अपना जीवन बर्बाद कर देता है, उसमें गिरकर मर जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति लोभी प्राणी है, लोभ करता है, ना धर्म करता है, ना दान करता है, ना त्याग करता है, ना ही भोग करता है, ऐसा लोभी व्यक्ति उसमें ही पड़कर मर जाता है, उसी में गिरम पड़ा रहता है। दान करना धर्म है। जो श्रावक पद को पाकर के भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, सत्पात्रों को सद्भावना से आहार दान देता नहीं है, रोग से पीड़ित पात्र को औषधि दान नहीं देता है, सत्पात्रों को शास्त्र दान नहीं देता है, दुखी प्राणियों के लिए या किसी भी प्राणी को दया भाव से अभय दान नहीं देता है, ये चार प्रकार के दान है, नहीं देता, या दान देने के भाव उसके नहीं होते, है तो सब कुछ घर में परिवार में सब कुछ है, संपन्नता है, लेकिन दान करने के भाव नहीं हो रहा उसकी कि मैं दान कर सकूं, कितनी बढ़िया से बढ़िया उसको अवसर मिल जाए दान देने का, फिर भी भाव नहीं होते। और जिसकी दान देने के भाव है वो केवल सुनता मात्र है कि यहाँ हमारे धन का उपयोग हो सकता है, वो तुरंत दान कर देता, उपयोगिता जानकर कि अरे ये तो बहुत अच्छा अवसर मिला है,
कि देखो पूजा भी करेंगी और दान भी करने का अवसर मिल रहा है, पूजा भी करने का अवसर मिल रहा है और दान भी अर्थ करने का अवसर मिल रहा है, दोनों काम एक साथ मिल रहे हैं। मुनिराज का सानिध्य मिल रहा है, मुनिराज का निमित्त मिल रहा है, बढ़िया। 10 लक्षण पर्व का विशेष अनुष्ठान है, भादो का महीना है और भादो के महीने में 10 लक्षण पर्व में समोषण विधान करने का अवसर मिल रहा, पूजा करने का अवसर मिल रहा है। चलो पूजा भी कर लेते हैं और दान भी करने का अवसर मिल रहा है, दान भी दे देंगे, दोनों कर्तव्यों का पालन हमारा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। व्यापारी लोग बड़ा दिमाग लगाते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं। एक व्यापारी मेरे पास आया अपने यहाँ का, एक व्यापारी आया तो मैंने उसके व्यापारी की दिमाग की ताकत दी, बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा सोचा। बोले मुनिराज जो बाकी 16 दिन बनना है तो क्या उनमें 10 दिन बैठना जरूरी है? मैंने कहा नहीं जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं, जितने दिन बैठ पाओ उतने दिन अच्छा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो बैठ पाए अच्छा, कम से कम बैठ तो रहा है, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा, 10 दिन नहीं बैठ पा रहा तो कुछ दिन तो बैठे। हमने कहा 4 पात्र बनना जरूरी है, 4 पात्र 10 दिन बैठेंगे, सौदर मित्र कुबेर और चक्रवर्ती, ये 4 पात्र तो 10 दिन बैठेंगे और बाकी पात्र में जितने दिन का टाइम मिल जाए उतने दिन बैठ जाना, 10 दिन बैठे तो बहुत उत्तम है, अच्छा है, पूजा करने का अवसर मिलेगा आपको, बहुत अच्छा, भाव जगाने का आपको अवसर मिलेगा, तो कर सकते हैं। बोले बाकी दिन जिसको जितने दिन बैठना बैठ जाना। बोले अच्छा जो पात्र बनेगा उसे शांति धारण करने का अवसर मिलेगा। वाह, अब आया पॉइंट वाली बात है कि मिलेगा। मैंने कहा हाँ, कमेटी वालों ने व्यवस्था रखी है कि जो पात्र बनेंगे उन पात्रों की पर्ची लिख के और एक रसमें डाल दी जाएगी और उस उन पर्चियों में से रोज 2 पर्ची निकाली जाएंगी और 2 पर्ची से 2 पात्रों को रोज शांति धारा करने का अवसर मिलेगा। बोले ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, बढ़िया, 11,000 से आते के पात्र बन जाओ और शांति धारा फिक्स हो जाएगी, एक दिन तो शांति धारा मिलनी है, करनी। यहाँ पात्र के पात्र बन गए और शांति धारा करने मिल गई, दोनों काम शास्त्र हो गए बेनिफिट। तुमने कहा ये व्यापार बुद्धि है, इसकी बुद्धि है व्यापारी की बुद्धि है, व्यापारी बुद्धि यही करता है, वो कहते देखो लाभ कहीं घाटा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से लाभ होना चाहिए, ज्ञान में बैठो पूजा में करो, जितने दिन करना उतने दिन करो और शांति धारा तो मिलनी है, अगर बोली लगे तो इतने तो शांति धारा वैसे देने पड़ेंगे तो यहाँ तो शांति धारा भी मिल जाएगी और पात्र के पात्र बन जाएंगे, ये तो बढ़िया व्यापारी बुद्धि है। दान भी कर रहा है और पूजा भी कर रहा है, ये अपने धर्म का पालन कर रहा है, निश्चित वो धर्म का पालन करके अपने पुण्य का अर्जन ही कर रहा है। 4 प्रकार के दान है तो 4 प्रकार के दान करना है उसको, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, ये 4 प्रकार के दान है। दान धर्म से जो दूर भागता है, दान का दमन करता है, दान देने की भावना का समन करता है, वह अपने मान कसाय का मनन करता है और कसायों में लीन रहता है, अहंकार से चूर रहता है, वह परोपकार की भावना से बहुत दूर रहता है, उसके अंदर भावना ही नहीं है कि मैं परोपकार कर पाऊं। दान वही देता है जो लोभ रूपी रोग से बीमार नहीं है, दान वही दे पाता है। अगर लोभ रूपी रोग लगा हुआ है उसके हाथ से पैसे नहीं छूट सकते, दे ही नहीं सकता, बिल्कुल दे पाएगा। एक भिखारी भीख मांगने आया लोभी व्यक्ति के पास। लोभी व्यक्ति ने अच्छा निकालता हूं देता हूं, उसने जेब में से नोट उठाया, पूरी गड्डी थी उसमें 2,000 के नोट 500 के नोट 200 के 100 के 50 के सारे नोट थे। वो धीरे भिखारी ने सोचा आज तो बड़ा सेठ से मौका मिल गया और अच्छा कफ मिलेगा, तो बोले अभी देखा वो निकालता हूँ, देखा निकाला और धीरे धीरे निकाल के वो 200 के निकले, 500 के निकले, 1,000 2,000 के सारे निकलते लास्ट में 1 रुपए का सिक्का था, 1 रुपए का, 1 रुपए निकाल के उसको दिया, कर ले जा भिखारी, कहता सेठ जी अपने पास रख लो, भिखारी कहता है सेठ जी अपने पास रख लो, सरकार ने बंद कर दिए अब चलते नहीं है। दान की भावना नहीं है ना, मंदिर में आएगा तो मंदिर में गुल्लक में पैसा डालेगा तो जो नोट बाजार में नहीं चल रहा होगा ना
ले नहीं रहा, उनका कन्यादान कर दो, मंदिर में डाल दो, आराम से है, पुण्य मिलेगा, कन्यादान किया है। सबसे पहले उसको ही निकालता था। लोभी व्यक्ति भी दान नहीं कर सकता, पर कैसे किसी को दान देगा, उसके भाव ही नहीं होते, नहीं दे सकता। दान धर्म जबकि श्रावक का प्रमुख धर्म बताया गया, परंतु इस प्रकार से जो दान नहीं देता, जो अपने धर्म का पालन नहीं करता, वो धर्म से दूर रहता है, जिसके धर्म करने के भाव नहीं होते, वह संसार सागर में बार बार जन्म मरण करता रहता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला सदैव अपनी आत्मा का हित चाहता है, अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है। धर्म कितने दो प्रकार के, भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी, जो वाणी आज हमारे पास शास्त्र रूप में उपलब्ध है, उसमें ही बताया दो प्रकार के धर्म बताए, एक तो श्रावक धर्म, दूसरा मुनि धर्म। तो सबसे पहले मुनि धर्म के बारे में बताया, भगवान ने कहा मुनि बनना चाहिए, श्रवण धर्म को अपनाना चाहिए, और यदि नहीं अपना पा रहे हैं, नहीं अपना पा रहे हैं, बिल्कुल जी, अगर मुनि धर्म को नहीं अपना पा रहे हो तो कम से कम श्रावक तो बन जाना, अगर मुनि धर्म का पालन नहीं कर पा रहे तो कम से कम श्रावक तो बन ही जाना। तो श्रावक का मुख्य धर्म अपना लेना, दान और पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है। पहले अपने धर्म का पालन करो, बाद में दूसरे की बात करना। मुनिराज के बारे में बाद में सोचना, आपका जो धर्म में अच्छी तरह से श्रावक धर्म का पालन हो जाए, तब मुनि धर्म की ओर कदम बढ़ाना, एकदम से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। संसार में दोनों धर्म का पालन करने वाले हैं, श्रावक भी है और साधु भी है। कोई मुनि धर्म का पालन करता है तो कोई श्रावक धर्म का पालन करता है, पर कोई कोई दोनों धर्मों में से एक भी धर्म का पालन नहीं करते। बिकॉज घोर संसारी, वो घोर संसारी है जो न श्रावक धर्म का पालन कर रहे हैं ना मुनि धर्म का पालन कर रहे हैं। आज के समय में आदमी धर्म करने में बिल्कुल जीरो है और पाप करने में बिल्कुल जी हीरो है। इसलिए तो बड़ा बर्बाद हो रहा है, इसलिए बर्बाद हो रहा है। धर्म से आदमी दूर होता जा रहा है, धर्म से बिल्कुल विमुख होता जा रहा है, धर्म करने की उसकी इच्छा ही जागृत नहीं होती है और अधर्म से बिल्कुल भरपूर होता जा रहा है। अधर्म करने में वो तत्पर है, धर्म रूप में वृद्ध संयम नियम का पालन नहीं करता, अपने अष्ट गुण को धारण नहीं करता, जब करने में उसका मन नहीं लगता, तब करने के उसके भाव नहीं होते, अब क्या करें, जब भी नहीं करना तब भी नहीं करना, दोनों से दूर होकर अपने शरीर का क्या करना, सजाना, शरीर का सजाना, शरीर का मेकअप करना, मेकअप से शरीर का मैल दूर करके शरीर को सजाया जाता है, शरीर को सजाते ना मेकअप करके, शरीर में जो मैल लगा है उसको दूर करेंगे और अपने शरीर को सजाते हैं, और जब तब से आत्मा के मैल को दूर कर सकते हैं। शरीर का मैल दूर किया तो मेकअप करना पड़ता है, और यदि आत्मा से मैल दूर करना है तो तब करना पड़ता है, जब करना पड़ता है तब आत्मा पवित्र होती है। अभी 10 लक्षण में सब आत्मा को साफ करने की तैयारी कर रहे हैं, सब आत्मा को साफ करना है, कोई एकासन करेगा, कोई उपास करेगा, कोई नीरस करेगा, कोई रसी का त्याग करेगा, कोई दो टाइम ही खाएगा, अपनी आत्मा को साफ करने का प्रयत्न कर रहा है। सत्य धर्म के प्रभाव से जो व्यक्ति धर्म करता है, धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है। समनपुत्र स्वामी ने कहा है, ग्रंथ करण ग्रंथ में, स्वापी देवो भी देवा स्वा जायते धर्म के विसार, स्वापी नाम अवेदन्या संपत धर्मा श्री नाम। क्या कहा, धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है और अधर्म के प्रभाव से देव भी कुत्ता बन जाता है। क्या करना है, धर्म ही करना ना, धर्म करना है, धर्म के प्रभाव से हम उस फल को प्राप्त करेंगे। यह सब जानकर भी जो व्यक्ति पापोदय के कारण आत्मधर्म नहीं करता है, न्याय पूर्वक भोग नहीं भोगता है, अपनी संपदा का सही उपयोग नहीं करता है,
और दूसरों को ठगता रहता है, अपने जीवन को व्यर्थ कमाता है, उसका जीवन व्यर्थ में चला जाता है। अन्याय करने वाला कैसे न्याय पूर्वक जी सकता है? अन्याय का कमाया धन शास्त्रों में लिखा है अधिक से अधिक 12 वर्ष तक ठहरता है, 12 वर्ष के बाद अपने आप ऐसा होगा कि वो कहां चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। कमाओ अन्याय से धन, जितना कमाना कमा लो, 12 वर्ष से ज्यादा नहीं ठहर सकता। जो अपनी संपत्ति को दान नहीं करता है, जो अपनी संपत्ति का भोग नहीं करता है, उसकी संपत्ति निश्चित रूप से नाश को प्राप्त हो जाती है। ये तीन गति बताई बस दान की, तो तीन गतियां हैं। सबसे उत्तम दान, पैसे की गति तीन, दान दूसरी भोग और नेत्र तीसरी नाश, तो होनी होनी है। देखो एक स्वर के देख कुबेर और कुबेर अंदिती कुबेर, एक स्वर्ग का देव है कुबेर, कुबेर ने अपनी संपत्ति का सदुपयोग कर लिया, कुबेर ने अपनी संपत्ति का सदुपयोग किया तो तीर्थंकर के लिए स्वर्णमय समोसन की रचना करवा दी। कुबेर ने अपने धन का सदुपयोग कर लिया, और कुबेर अपने धन का सदुपयोग करता है तो भगवान के गर्भ में आते ही रत्नों की वर्षा करना प्रारंभ कर देता है। 15 महीने तक रत्नों की वर्षा करता है कौन? कुबेर। तीर्थंकर के विहार समय में स्वर्ण कमलों की रचना कर देता है, तीर्थंकर का जब आहार होता है तो पंच रत्नों की वर्षा कर देता है, निरंतर अपने धन का सदुपयोग करता है, वो कुबेर होता है। कितना बड़ा दिल होगा उसका, कितना बड़ा दिल होगा उसका, इतनी धन दौलत कैसे लुटाता है, और जितना लुटाता है उसका उतना आता जाता है। शायद उसने सोचा होगा, अपने ज्ञान से जाना होगा कि साथ में कुछ नहीं जाएगा, इसलिए कंजूसी मत करो, जो करना दिल खोल कर कर लो। इसलिए उसने खूब लुटाया, खूब लुटाया। ऐसा वैभव बार बार नहीं मिलता है, जब मिला है कुबेर का भाव भी बार बार नहीं मिलता, इसलिए उसने संपत्ति का अपने वैभव का सदुपयोग किया और एक एक स्वर्ग के देव की समझ में आ गया, परंतु मनुष्य की समझ में नहीं आ पाया। जोड़ जोड़ के एक दिन छोड़ गया, यह भी पता नहीं चला कहां गया, चला गया। जोड़ जोड़ के छोड़ गया और ये भी पता नहीं चला कि वो कहां गया। वो तो गया, किसी को नहीं पता, जितने जितने जोड़े थे पैसे वो सब चले गए, सब यही छोड़ के गए, कोई लेके नहीं गया, एक धागा लेके नहीं गया, तो धन संपत्ति कहां से लेके जाएगा। ये बात सत्य, लोग आदमी लोभी आदमी जो होता है कभी भी सदगति का पात्र नहीं बन सकता है, खोटी गति का पात्र बनता है। जो आज जोड़ने जोड़ने में लगा है कि जोड़ो बस जोड़ने में लगा है, छोड़ नहीं रहा है, वो निश्चित दुर्गति का पात्र बनता है, दर दर पट्टों पर खाता है। लोभी व्यक्ति कंजूस व्यक्ति जो मात्र जोड़ने में अपना जीवन व्यतीत करता है, ऐसा व्यक्ति। और दानी आदमी अपनी संपत्ति को अपने हाथ से दान देकर छोड़ देता है, और जितना छोड़ता है उसको उससे दुगना चौगना प्राप्त हो जाता है। ये तो पक्की बात है। और ये आचार्यों ने कहा, देखो पटन झूठा तो होता नहीं आचार्यों का, जो मुनिराज ने कहा है वो कभी नान्यथा मुनि भाषणम, मुनि के वचन कभी अन्यथा नहीं होते, आचार्यों की बात है। कि अगर जो दान आप दे रहे हैं उससे दुगना चौगना आपको मिलेगा, कहां से कैसे मिलेगा ये आपको कुछ नहीं पता चलेगा, अचानक आपको पता चलेगा कि जो रुपया पड़ा था पैसा वो पैसा आ गया, अपने आप आ गया, कैसे आया पता नहीं, क्या चमत्कार हुआ कुछ नहीं पता, वो पैसा आ जाएगा। जितना आपको दान देना होगा उससे दुगना आपके पास आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा। ये भगवान की वाणी आचार्यों ने शास्त्रों में लिखी है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा निश्चित होता है, देखा गया है। दान करके इन्हें कर क्या लिया, ऐसी बातें करेगा क्योंकि उसकी भावनाएं नहीं हो रही है। महानुभाव, जब तक जीवन है तब तक आराम से खाओ, तब तक आराम से खाओ। एक मत कहता है,
एक मत है, ज्ञानी तो आपके एक ही है, एक ज्ञानी अम्मा है और एक ज्ञानी अपनी अनिता भाभी है। बोलने के पहले जवाब आ जाता है कि हाँ, चार बार दर्शन है, चार बार दर्शन हुआ। वो कहता जब तक जियो आराम से खाओ, मौज करो, बढ़िया खूब खाओ पियो, मौज करो, क्योंकि बार बार ऐसा खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता। जब तक जियो अच्छे से खाओ पियो, और यदि खत्म हो जाए तो कर्जा ले लो, कर्जा लेके खाओ। चार बार दर्शन कहता है, चार बार दर्शन, जब तक मिले तब तक खाओ पियो, नहीं मिले तो कर्जा लेके खाओ, आराम से कर्जा लेके खाओ पियो, अगला जन्म उसने देखना है। ये चार बार दर्शन कहता है, लेकिन जैन दर्शन कहता नहीं, ये अज्ञानियों की भाषा है। ये अज्ञानता के कारण वो ऐसी सोच रखते हैं जो त्याग मार्ग से दूर रहते हैं, और ऐसे विचार रखकर दुर्गति के पात्र ही बनते हैं। ऐसा जीव वैराग्य प्रवृत्ति करता है, वैरात्मा जीव कहलाता है, और वह लोभी व्यक्ति ही उसी पतंगे की तरह जो एक दीपक जलता है और उसमें आके बार बार मुंह मारता है अग्नि में, और मुंह मारता एक बार ऐसा मुंह उसका लगता है कि वहीं पर वो जल जाता है, वहीं पर वो मर जाता है। ऐसी लोभी व्यक्ति कसाय में आकर कष्ट को प्राप्त करता है, और उन कसायों में पड़ करके मर करके वहीं मर जाता है। इसलिए उस कसाय को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, और लोग कसाय जब छूटेगी तो हम दान की भाव बना पाएंगे। लाभ अलाभ जीवन मरण को नहीं समझ पाता जो व्यक्ति, वो व्यक्ति लोग कसाय में पड़ा रहता है, और ऐसा व्यक्ति निश्चित ही दुर्गति का पात्र बनता है। आपने लोग कसाय के बारे में बहुत सारे कहानी दृष्टांत सुने होंगे, पढ़े होंगे, शास्त्रों में बहुत वर्णन है कि एक एक व्यक्ति छोटे छोटे से लोभ के लिए अपने प्राण तक गवा देता है, लेकिन अपने धन को किसी को देना नहीं चाहता, किसी के पास जाना नहीं चाहता, ऐसी भावना रखता है। उस लोभ कसाय को दूर करके दान धर्म त्याग और भोग, आपके पास जो आपको इच्छा हो वो करो, लेकिन जोड़ जोड़ के मत मर जाओ, उसका उपयोग करो, और सदुपयोग करने का अवसर मिल जाए तो सबसे पहले सदुपयोग करो, उसके बाद भोग करो, और नहीं कर पाओ तो नाश तो होना ही होना है। ऐसा चंद्रमन की गाथा का तात्पर्य है। अगली गाथा आपको कल बताएंगे, मोक्ष मार्ग में रथ कौन है इसकी व्याख्या कल करेंगे। जय गुरु पाकिस्तान भगवान की। संसार